मैं आज 15-16 के रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का और रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी का और मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस बजट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इस 15-16 के बजट में जो माननीय सुरेश प्रभु जी ने के द्वारा पेश किया गया वह सराहनीय। पिछले 65 सालों में जो ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ। इस बजट से हमें पता चलता है कि रेलवे बजट की वास्तविकता स्थिति क्या है। पिछली सरकार वोट बैंक को देखते हुए रेलवे का 5 प्रयास संसाधन के राजस्व न होते हुए भी बड़े बड़े वादे करते गए और नतीजा ये हुआ कि आज बड़े बड़े वादे एक झटके होते गए और रेलवे का विकास कार्य पीछे छूटता गया और हमारे पास पूर्व सरकार के वादे से ज़्यादा और रेलवे के पास कोई विकास कार्य नहीं बचा। तो अध्यक्ष महोदय, में हमारी सरकार के कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास का कार्य कैसे हो सके उसका ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया। इसके मिनिमम संसाधन होते हुए भी हमारी सरकार इस बजट में गरीब को विशेष ध्यान रखा है और विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लिए। और इसमें एक नमूना है कि रेलवे कैर के किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की थी, उसके लिए मैं मंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और उपाध्यक्ष जी, रेलवे के सिस्टम में सुधार लाना जरूरी था। इस बजट के में सफाई का पूरा ध्यान दिया है, विशेषकर अगले सभी MPs ने बोला है तो उसके मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन विशेष ध्यान आकर्षित करता हूँ कि अभी जो वाईफाई और रेलवे कंपार्टमेंट, मोबाइल चार्जिंग और वरिष्ठ नागरिक के लिए व्हील सीलर और जो रेलवे क्रॉसिंग से दुर्घटना होती है इसके लिए इस बजट में 6,581 करोड़ का प्रावधान किया है और इसमें 3,438 रेलवे क्रॉसिंग की बजाय हटाकर उसे 917 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का मिनिमम प्लान किया, तो इसके लिए मैं भी रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 4 विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की जा रही थी, उसके लिए भी सरकार ने सराहनीय कदम उठाए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब मैं अपने क्षेत्र के 3 बिंदुओं की बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो खास करके आज 2009 से 2015 से साल हुआ ये 7वें रेलवे मंत्री है, 7 रेलवे मंत्री। अगली बार पिछली सरकार ने 5 बार रेल मंत्री बदल गए, उसके बाद बार बार मैं इस हाउस में ये 9वीं बार मैं रेलवे बजट पे बोलने जा रहा हूँ। अभी 17 के MP जो झारखंड से बोल रहे थे कि 85 साल से मेरे क्षेत्र में ये परियोजनाएं अभी बंद पड़ी हुई है, लेकिन मैं उससे भी आगे हूँ। 1912 में अंग्रेजों के समय से मेरे क्षेत्र में ये रेल की पटरी लगी हुई थी। 1912 है 2015 आज तक 103 साल के बावजूद भी मेरे क्षेत्र का कोई रेलवे के ओर से विकास नहीं हुआ है। मैं ये 9वीं बार इसी हाउस में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो आज मेरे क्षेत्र के लोग भी मुझे देख रहे होंगे और वहाँ मुझे बार बार ये बोलते हैं कि आप ये 5-6 साल से आप क्या कर रहे हैं वहाँ आप जाके। लेकिन मैं उस प्रभु से तो बार बार मांग रहा हूँ, लेकिन अब की बारी में इस प्रभु से मांग रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के सामने कुछ दे। तो मैं एक मिनट के लिए मुझे मेरे क्षेत्र के लिए अमरेली वो ढस्सा जैतलसर और जूनागढ़ के लिए जो गेज परिवर्तन के लिए 2012-13 के बजट में जो मंजूरी मिली है, लेकिन उसके इस बजट में उसको कोई राशि आमंत्रित नहीं किए। तो मैं मंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के दोहरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की हमारी डिस्ट्रिक्ट DRM ने और हमारे स्टेट रेलवे अधिकारियों ने भी उसकी दरखास्त भेजी है रेलवे बोर्ड को, रेलवे मिनिस्ट्री, तो 50 करोड़ की राशि भी उसमें आमंत्रण कराए। और दूसरा, मेरे क्षेत्र खिजड़िया, अमरेली, चल्लाला, विचावदर, धारी और जूनागढ़, उसका दोहरीकरण के लिए भी उसका सर्वे हो चुका है पूरा का पूरा 2 साल पहले, उसमें भी उसका काम बढ़ाने के लिए भी मंत्री जी के मैं आग्रह करता हूँ। और मेरा लास्ट पॉइंट तीसरा है जो बहुत मेरे क्षेत्र के प्रॉब्लम है, तीनों जूनागढ़, भावनगर और अमरेली, तीनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ने सरकार को भी लिख के दिया है, रेलवे बोर्ड को भी लिख के दिया है कि जूनागढ़, अमरेली, भावनगर पर डे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई 300 लग्जरी प्राइवेट बसें पैसेंजर को लेकर अप डाउन करती है, लेकिन एक मिनट, आधा मिनट
300 लग्जरी बस पर डे अप डाउन करती है, लेकिन वहां पे वीकली महुआ सूरत ट्रेन जो चलती है उसको पर डे कर दिया जाए, वहां से बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध होगी। क्योंकि मेरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सूरत डायमंड और पावरलूम से उद्योग में काम के लोग जुड़े हुए, तो उसके हिसाब से रोज अप डाउन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आमदनी गुजरात की इस ट्रेन को मिलेगी। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सूरत अहमदाबाद जो ट्रेन है उसे वीकली है, उसे महुआ सूरत और अहमदाबाद मुंबई के लिए पर डे कर दे। इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत आग्रह करता हूँ। मैं मनोज सिन्हा जी के और सुरेश प्रभु जी से अगली बार भी मिल चुका हूँ, तो अब की बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे महुआ मुंबई सूरत ऑपर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट।